लगातार देखिए ये सवाल तो बना ही हुआ है कि अब आगे एमबीए सरकार क्या करेगी, उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी समझना होता है कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, तो क्या जो सत्र बुलाया गया है कल, उसके पहले उद्धव ठाकरे क्या इस्तीफा भी दे सकते हैं? क्या लगता है कि ये कदम उठाना पड़ेगा या पड़ सकता है उद्धव ठाकरे को? देखिए दो ऑप्शन है उद्धव सरकार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं ट्रस्ट बोर्ड को लेकर के, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उनके वकील ने एप्रिहेंशन व्यक्त किया था कि आपने 11 तारीख तक के लिए इसको मोहलत दे दी है, राहत दी है कि डिस्क्वालिफिकेशन वाले विधायकों की 16 विधायक जो थे कि वो 5:30 बजे 11 तारीख तक जवाब दे सकते हैं। दूसरा डिप्टी स्पीकर को लेकर जो एफिडेविट मांगा गया है, तमाम चीज़ें प्रोसेस थी, तो उन्होंने कहा कि ये इस दौरान ट्रस्ट बोर्ड मांग सकते हैं, फ्लोर टेस्ट मांग सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपके पास भी वो अधिकार हैं जो एक आम नागरिक के पास है, आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो अधिक संभावना यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कल के ट्रस्ट बोर्ड को लेकर के, फ्लोर टेस्ट को लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, अगर उनको लगता है कि कोई फायदा नहीं है और हार रहे हैं वो, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारे पास बहुमत है, चाहे वो NCP हो, कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे हो, और उनका ये भी कहना है कि 15-16 विधायक उनके टच में हैं, जैसे मुंबई आएंगे तो उनके पाले में आ जाएंगे, अगर वो तमाम चीज़ों को लेकर आश्वस्त हैं तो हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और लीगल लड़ाई लड़ें। और अगर उनको कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको लगता है कल फ्लोर टेस्ट पे हार हो जाएगी, तो इस्तीफा भी एक ऑप्शन है। लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि पहले तो कल के ट्रस्ट बोर्ड को रोका जाए, फिर वो 11 तारीख पे बात चली जाएगी, 11 तारीख को फिर सुनवाई होगी, उसके बाद लीगल बैटल शुरू होगा। बिल्कुल पारस, और इस पूरे संकट में टाइमलाइन इज आल्सो वेरी क्रूशियल। अगर आप टाइमलाइन की बात करें तो कल सुबह 11 बजे तक का वक्त है, फ्लोर टेस्ट का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास आज का बचा कुचा दिन है। जो बागी खेमा है गुवाहाटी से, वो मुंबई अगर आज रात तक पहुंचता है तो किस तरह से उद्धव ठाकरे को वक्त मिलेगा बागी विधायकों से संपर्क साधने का या उनको वापस अपने पास बुलाने का, तो एक ये भी होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में अगर जो दावा शिवसेना की तरफ से हो रहा है कि एमबीए सरकार फ्लोर टेस्ट का सामना अगर करना पड़ता है तो जीत जाएगी, इस दावे में कितना दम, क्या कांग्रेस और एनसीपी के सहारे ऐसा मुमकिन है? मुश्किल दिख रहा है अभी, जिस तरीके से नंबर गेम चल रहा है मलिका, बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अगर जुड़ती है साथ में तो मेजॉरिटी किसकी तरफ है वो आंकड़ा हम बिल्कुल देख सकते हैं। किस तरीके से नंबर गेम चल रहा है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, नंबर गेम एक तरफ एकनाथ शिंदे के हाथ में है। अगर ये गठबंधन होता है वो बात की बात है, पर अगर गठबंधन जिस तरीके से बात चल रही है सूत्रों की माने, तो अगर गठबंधन होता है तो नंबर किसकी तरफ है वो हर किसी को पता है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को अगर अपने आप को बचाना है तो कुछ नया प्लान तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जिस तरीके से आपने दोहराया मलिका कि टाइम बिल्कुल कम है, टाइमलाइन जो है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि कल स्पेशल सत्र बुलाया गया है विधानसभा का 11 से 5 बजे, तब वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा। उससे पहले आप क्या निर्णय लेंगे, उससे पहले आप किस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, वो आपको इन चुनिंदा घंटों में ही तय करना पड़ेगा। एक तरफ पवार साहब हैं जो अभी मीटिंग कर रहे हैं कुछ देर में, एक तरफ उद्धव हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बागी गुट को अभी भी मनाया जाए, वो आखिर तक हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये वर्चस्व लड़ाई है। जिस तरीके से शिवसेना इतने सालों से अपना वर्चस्व दिखाती आ रही है, शिवसेना ने महाराष्ट्र पे राज किया है, उसमें दूसरी तरफ ये पहलू जुड़ गया कि उनके ही खास व्यक्ति जो रीढ़ की हड्डी माने जाते थे एकनाथ शिंदे, वो बागी बनके चले जाते हैं सूरत पहले, और सूरत से फिर गुवाहाटी चले जाते हैं, और गुवाहाटी जाने के बाद ये पूरा मामला सामने आता है। तो अब समय बहुत कम है, समय है ही नहीं, तो अब शिवसेना महाविकास अघाड़ी सरकार किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करती है ये बेहद जरूरी है। आंकड़े की आप जो बात कर रही हैं मलिका, आंकड़े एकनाथ शिंदे की तरफ है, फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आज का महत्वपूर्ण दिन, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा शिंदे की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, शरद पवार की तरफ से और शिवसेना की तरफ से, बेहद जरूरी है। आज का दिन महत्वपूर्ण, कल का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब फ्लोर टेस्ट के लिए लोग आएंगे और फ्लोर टेस्ट होगा मलिका। बिल्कुल अशोक, अब से कुछ देर पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे से ये पूछा गया कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का दावेदार वापस बनाया जाता है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे, तो इसका सवाल देने से वो बचे और उन्होंने कहा कि पहले फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो क्या वाकई ये माना जाए कि आगे की रणनीति अभी तक बनी नहीं है, सिर्फ फ्लोर टेस्ट का इंतजार हो रहा है?
क्योंकि बहुत कैलकुलेटेड मूव ये लग रहा है बीजेपी की तरफ से। नहीं देखिए, रणनीति बन चुकी है और देखिए कल भी ये खबरें आई थी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सरकार के फॉर्मूले पर फैसला हो चुका है, बात तय हो चुकी है। इस तमाम रणनीति बहुत, ये दो चार दिनों की बात नहीं, बहुत पहले से ये रणनीति बन रही थी। और अब क्योंकि उद्धव सरकार को लेकर के ये कहा जा रहा है, एकनाथ शिंदे गुट इंटैक्ट है, बीजेपी है कि वो माइनॉरिटी में है, विश्वास मत खो चुकी है, सरकार जाएगी, ये इनका दावा किया जा रहा है और कल फ्लोर टेस्ट पर चीजें साफ हो ही जाएंगी। लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की रणनीति बन चुकी है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, सरकार गिरने की स्थिति में, ये तो कल तो खबरें ये भी आई थी कि कितने मंत्री किसके होंगे, ये तमाम चीजें भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच तय हो चुकी है। ये कहने की बातें होती हैं, पब्लिक पोस्टरिंग कुछ और होती है पॉलिटिक्स में। तो एकनाथ शिंदे ने यही कहा कि कल फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। लेकिन सबको पता है कि बीजेपी के साथ मिलकर ये रणनीति बनाई जा रही है और दोनों के बीच सब कुछ तय हो चुका है और कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या फार्मूला होगा, किस ढंग से चीजें तय की गई है, ये तमाम बातें जो है पहले से बातचीत हो चुकी है इन दोनों के, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच। लेकिन क्योंकि अब कल फ्लोर टेस्ट है, उसके ऊपर पूरी ताकत इनकी रहेगी, पूरी स्ट्रेटेजी उसी को लेकर रहेगी। लेकिन आज देखना होगा क्या उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं। बिल्कुल, और पारस, जिस तरह से महाराष्ट्र की ये सियासी लड़ाई, सियासी संग्राम को का जो केंद्र है वो हिंदुत्व को बनाया गया, एकनाथ शिंदे शुरुआत से ये कहते रहे, उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनानी चाहिए, लेकिन उनकी तमाम शर्तों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। क्या ये भी माना जा सकता है कि सरकार को बचाने के लिए इस तरह का कॉम्प्रोमाइज क्या उद्धव ठाकरे कर सकते हैं अब इस मोड़ पर आकर? जी बहुत बड़ा सवाल आप कर रही हैं, ये बेहद कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी बेहद डिफिकल्ट लग रही है। क्योंकि एक तरफ जो है उद्धव ठाकरे पहले एक निर्णय दे चुके हैं, पहले एक बार कह चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं नहीं जुड़ना चाहता हूं। ये बहुत समय पहले उन्होंने कहा था, जिस तरीके से 2019 में दोनों के बीच में स्पैट हुआ था, दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, उसके बाद ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दोनों एक साथ आएंगे। जिस तरीके से राजनीति चल रही है ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ बागी गुट के जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने जो हिंदुत्व का पढ़ाई हमें करवाया था, हम उस हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्व फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा था, हाथ थामा था, उसी दिन जो है वो हिंदुत्व हार गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं।